देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बुके देकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वहीं हरियाणा के राज्यपाल माननीय बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल माननीय बनवारीलाल पुरोहित एवं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल माननीय शिव प्रताप शुक्ला, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी गुरुकुल में पहुंचे और माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत के नेतृत्व में गुरुकुल प्रबंधक समिति द्वारा सभी अतिथियों का भव्य अभिनंदन किया गया। पूर्व राष्ट्रपति सहित सभी अतिथियों को गुरुकुल के घुड़सवारों की अगुवाई में मुख्य कार्यालय तक ले जाया गया। इस अवसर पर ओएसडी टू गवर्नर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार, गुरुकुल के प्रधान राजकुमार गर्ग, समाज सेवी संपूर्ण सिंह, एडमिनिस्ट्रेटर रामनिवास आर्य, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम भी मौजूद रहे। माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनके धर्मपत्नी सविता कोविंद, बेटी स्वाति, राज्यपाल शिव प्रताप सिंह के साथ उनके धर्मपत्नी लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी गुरुकुल में पहुंची। महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत के नेतृत्व में माननीय कोविंद जी सहित सभी अतिथि सर्वप्रथम गुरुकुल की गौशाला में पहुंचे। आचार्य ने बताया कि गौशाला में देशी गायों के नस्ल सुधार पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में गुरुकुल की गौशाला में देशी नस्ल की गाय 22 लीटर तक दूध देती है। यहाँ पर गिर, रेड सिंधी, हरियाणा, राठी, थारपारकर और साहिवाल नस्ल की लगभग 200 देशी गाय हैं, जिनका दूध यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को दिया जाता है। गौशाला से होते हुए अतिथियों का ये दल एनडीए विंग पहुंचा, जहां पर सूबेदार बलवान सिंह ने सभी अतिथियों का मिलिट्री अंदाज में स्वागत किया। एनडीए विंग के विषय में आचार्य ने बताया कि इसी वर्ष गुरुकुल के 13 छात्रों ने एनडीए ज्वाइन कर नया कीर्तिमान बनाया है। इसके अलावा वर्ष 2017 से अब तक कुल 44 बच्चे एनडीए के माध्यम से आर्मी में लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर बन चुके हैं। एनडीए के साथ ही गुरुकुल की कम्पिटिटिव विंग का भी अतिथियों ने भ्रमण किया, जहां से लगभग 62 बच्चे देश के विभिन्न आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर इंजीनियर व डॉक्टर बनने का सपना पूरे कर रहे हैं। गुरुकुल के आर्ष महाविद्यालय में आचार्य सत्य प्रकाश के ब्रह्मत्व में बच्चों द्वारा किए जा रहे यज्ञ को देखकर पूर्व राष्ट्रपति वहीं ठहर गए। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति एवं उच्च संस्कारों का सूत्रपात आर्ष ग्रंथों के द्वारा ही संभव है, जो गुरुकुल में भलीभांति किया जा रहा है। आर्ष के सभी बच्चों ने अतिथियों को अष्टाध्यायी के कई सूत्र और उनकी व्याख्या भी सुनाई। तत्पश्चात सभी अतिथि विभिन्न छात्रावास, विद्यालय और अनेक प्रयोगशालाओं का भ्रमण करते हुए गुरुकुल के प्राकृतिक चिकित्सालय में पहुंचे। यहां पर आचार्य देवव्रत ने उन्हें बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा ने ही उन्हें नया जीवन दान दिया है। एक बार अत्यधिक बीमार होने के कारण जब एम्स जैसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटलों के डॉक्टरों ने भी उनके जीवित रहने की संभावना को नकार दिया था, तब वे प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में गए और पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस घटना ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया और उन्होंने लोक कल्याण के निमित्त इस प्राकृतिक चिकित्सालय का निर्माण करवाया। यहाँ से हजारों की संख्या में असाध्य रोगों के पीड़ित लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर गए हैं। तत्पश्चात अतिथियों का ये दल गुरुकुल के प्राकृतिक फार्म पहुँचा। फार्म पर धान की फसल में पानी की एक बूंद न देख सभी अतिथि आश्चर्य में पड़ गए। तब आचार्य ने उन्हें बताया कि प्राकृतिक खेती में यही तो कमाल है। धान ही नहीं, प्राकृतिक खेती में सभी फसलों में 70% तक पानी की बचत होगी। उन्होंने खेतों में केंचुओं द्वारा बनाए गए असंख्य छिद्रों और ऊपर सतह पर छोड़ी गई विष्ठा के बारे में भी बताया कि यह प्राकृतिक खाद है, जिसके सामने यूरिया, डीएपी, सभी पेस्टिसाइड फेल है, क्योंकि ये खेत की मिट्टी में मिलकर जमीन को इतना उपजाऊ बना देते हैं कि जमीन को फिर बाहरी खाद की जरूरत ही नहीं रहती। फार्म पर कमलमम, सेब, केला, अमरूद, बेर, चीकू के बाग को देख सभी अतिथि प्रसन्न हुए और सभी अतिथियों ने गुरुकुल के फार्म के प्राकृतिक कमलम और अमरूद का स्वाद भी चखा। आचार्य देवव्रत ने बताया कि गुरुकुल के फार्म पर गन्ने की ऐसी कई किस्में लगाई हैं, जिन्हें बीमारियां आने के डर से किसानों ने बोना छोड़ दिया था, मगर यहां पर उनमें कोई बीमारी नहीं और उत्पादन भी बहुत अच्छा है। गन्ने के विषय में आचार्य ने पूर्व राष्ट्रपति को बताया कि हमारे यहाँ एक बार गन्ने की बुआई से 3-4 वर्षों तक फसल ली जाती है और हर बार पूरा उत्पादन मिलता है। फार्म भ्रमण के उपरांत सभी अतिथि गुरुकुल में आयोजित प्राकृतिक कृषि संवाद सत्र में सम्मिलित हुए, जहां उनके समक्ष प्राकृतिक खेती के वैज्ञानिक पक्ष को पिछले कई वर्षों के आंकड़ों और तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया। आचार्य के आह्वान पर सभी अतिथियों ने प्राकृतिक कृषि को जन जन तक पहुंचाने और देश के किसानों को इससे जोड़ने का संकल्प लिया। गुरुकुल भ्रमण के उपरांत पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र के विषय में जितना सुना था, यहां आकर उससे भी और अधिक और उत्कृष्ट पाया। युवाओं का सच्चे अर्थों में यदि कहीं सर्वांगीण विकास हो रहा है तो वह स्थान गुरुकुल कुरुक्षेत्र है। वाकई आचार्य देवव्रत ने यहां पर 35 वर्षों तक जो त्यागपूर्ण तपस्या की, ये सुंदर परिसर और यहां के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम उसी का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि एक ही वर्ष में 13 बच्चों का एनडीए में जाना किसी कृषि में से कम नहीं है, मगर यदि आचार्य देवव्रत जैसी दूरदर्शी सोच और गुरुकुल के सुयोग्य शिक्षक एवं शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत, विद्या को समर्पित गुरुकुल जैसे छात्र ठान ले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने समस्त गुरुकुल परिवार
परिवार को बधाई और शुभकामनाएं दी। अंत में सभी अतिथियों को गुरुकुल परिवार की ओर से ओम का स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। खबर हमारे हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।